वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की क्लास में हम पॉजिटिव सिग्नल एज और नेगेटिव सिग्नल एज को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव सिग्नल एज है। इसके अंदर दो इनपुट होते हैं, एक हमारा ये फिजिकल एड्रेस हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये हो गया, यानी कि ये I0.1 यानी कि ये हमारी पुश बटन, पहली पुश बटन यहाँ पर हो गई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और दूसरा इसके अंदर एक मेमोरी बिट डाल, तो मैं यहाँ पर मेमोरी बिट डाल देता हूँ। मान लीजिए मैं कुछ बना देता हूँ, ये मैं कोई एक बिट बना दूंगा यहाँ पर M100, ये हमने मेमोरी बिट बना दी यहाँ पर। तो ये कैसे काम करेगा, जब इनपुट, ये इनपुट है और ये इसकी मेमोरी बिट, इनपुट की कंडीशन जब फॉल्स से ट्रू होगी तो इनपुट की कंडीशन को डिटेक्ट करेगा। कैसे करेगा इसको, एक मान लीजिए मैं यहाँ पर सेट कॉइल ले लेता हूँ, यहाँ सेट कॉइल ले ली मैंने, और इस पर एक आउटपुट का एड्रेस दे देते हैं, जैसे Y1 हमने इसका पहला लैंप हो गया। जैसे ही हम ए पुश बटन को प्रेस करेंगे, यानी कि 0 से 1 करेंगे, तब ये इस कॉइल को ऑन कर दे। क्यों? ये क्योंकि पॉजिटिव सिग्नल एज है, यानी कि 0 से 1 की तरफ जब हम कंडीशन को करेंगे तभी डिटेक्ट करेगा। वहीं इसका एक उल्टा, यानी कि मैं यहाँ पर एक नेगेटिव सिग्नल एज को ले लेता हूँ, और यहाँ पर हम एक दूसरी पुश बटन यानी कि बी पुश बटन को एड्रेस दे देंगे, और यहाँ पर एक मेमोरी एड्रेस दे देंगे एम बिट, इसको एक मेमोरी बिट डिफाइन कर देंगे, और यहाँ पर हम एक रिसेट कॉइल लगाएंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पर हम Y1 नाम दे दें। हमने एक सिंपल लॉजिक बनाया है जिसमें हम एक ए पुश बटन को प्रेस करेंगे तो Y1 लैंप ऑन हो जाएगा, और जब बी को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद जब रिलीज करेंगे तब हमारा रिसेट हो। इस केस को हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसको टेस्ट करके दिखाते हैं कैसे काम करेगा। ये हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, इसको एक बार ऑनलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब ए पुश बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये प्रेस करते ही ये ऑन हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, एक बार जैसे मैंने इसको प्रेस किया ये ऑन हो गया, और अब इसको हम बी पुश बटन को जब प्रेस करेंगे तो ये ऑफ नहीं होगा, ये तब ऑफ होगा जब हम बी पुश बटन को रिलीज करेंगे। जैसे कि मैं एक बार इसको प्रेस कर देता हूँ, प्रेस पर इसने कोई एक्शन नहीं लिया है, जैसे हमने रिलीज किया तो इसने अपने लैंप को ऑफ कर दिया। यानी कि ये पॉजिटिव सिग्नल एज फॉल्स से ट्रू होगा तब सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, और वहीं नेगेटिव सिग्नल एज जब कंडीशन ट्रू से फॉल्स जाएगी तब सिग्नल को डिटेक्ट करेगा। एक तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल समझ लिया, तो ये टेस्ट कर लिया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से इसको हटा देंगे, और इसको भी हटा देंगे, इसको हटा। यहाँ पर हम एक बटन लेंगे, मान लीजिए मेमोरी ले लेते हैं एम बिट, और इसको एक बार क्रिएट कर देंगे, मेमोरी में बना देंगे, और यहाँ पर हम एक एडिशन का ब्लॉक लगाएंगे, तो यहाँ से एक एम्प्टी ब्लॉक लेंगे, और ऐड में हम यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर मैं कोई मान लीजिए एक बिल फिक्स दे दी 1, और यहाँ पर कोई टैग दे दिया रिजल्ट 1, कोई भी रिजल्ट 1 नाम का टैग बना दिया, इसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे मेमोरी टैग, और इसको ही यहाँ से कॉपी करके यहाँ, तो ये इंक्रीमेंट करेगा, एक ऐड करके ये आगे इसमें दिखाता रहेगा। ये तो हमने एक सिंपल इसके थ्रू बनाया है, और एक और रंग ले लेते हैं यहाँ पर हम ब्रांच लेंगे, और इस सेम सिग्नल को यहाँ से और पेस्ट करेंगे। ये सेम बिट यहाँ पर ले ली, और इसके अंदर हमने पॉजिटिव सिग्नल एज लगाया था, इसमें बिना सिग्नल के ही हम ले लेंगे, तो इसको एक बार यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करेंगे। इसमें ए पुश बटन को सिंपल लगा देते हैं यहाँ पर। अब एक बार इसको डाउनलोड करते हैं, अब हमारा लॉजिक लगा है, ए पुश बटन एक तो यहाँ पर लगी है, और एक बिट यहाँ पर भी लगी है, और एक पुश बटन यहाँ पे भी लगी है। सिर्फ यहाँ पर इसको हम यहाँ पर एक बार इनेबल कर देंगे, इसको तो हम लॉजिक को एक बार इनेबल कर देंगे, यहाँ तक तो ये इनेबल है। अब जैसे ए पुश बटन, ये हमारी पॉजिटिव सिग्नल एज के साथ लगी है, और ये बिना पॉजिटिव सिग्नल के हम प्रेस करेंगे, ये यहाँ भी ट्रू होगा, यहाँ भी ट्रू होगा, लेकिन वर्क थोड़ा सा अलग अलग करेगा। मैं यहाँ पर एक बार प्रेस करता हूँ, एक बार हमने प्रेस किया, आप यहाँ पर देख पाएंगे एक बार प्रेस करने के बाद इस रिजल्ट 2 में बहुत सारा एडिशन हो गया, लेकिन रिजल्ट 1 में सिर्फ एक बार ट्रिगर लिया। यानी कि जैसे ये प्लस से 0 से 1 हुई, यानी कि जब प्रेस की तो एक काउंट किया गया,
जैसे हमने प्रेस किया, एक काउंट किया, आप देख पाएंगे इसके अंदर दो काउंट हो गया, यानी कि जब भी हम प्रेस करेंगे तो प्रेस पे एक पल्स ये ले लेगा। अब वहीं अगर हम इसको नेगेटिव पल्स ले लेते हैं, अगर नेगेटिव सिग्नल एस ले लेते हैं, तब कैसे काम करेगा? तब एक बार इसको दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं, ये कंडीशन ट्रू है, इस कंडीशन को लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक अभी के केस में देखता हूँ, अब ये कब ऐड करेगा, जैसे ही हम प्रेस करेंगे तब ये ऐड करना शुरू कर देगा, लेकिन ये तब ऐड करेगा, ये थ्री रिजल्ट तब देगा जब हम रिलीज कर लेंगे, प्रेस करने के बाद रिलीज करेंगे तब ऐड करेगा। देखेंगे, एक बार हमने इसको प्रेस कर दिया तो नीचे तो ऐड कर रहा है, ये नीचे ऐड कर रहा है एडिशन, लेकिन इसमें अभी तक इसने ऐड नहीं किया, जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो इसने एक पल्स ऐड की, फिर से हम प्रेस करेंगे और रिलीज करेंगे तो ऐड करेगा, जैसे हम रिलीज करेंगे तो ऐड करेगा, रिलीज करेंगे तो ऐड करेगा। मीन्स ये नेगेटिव सिग्नल एज तब डिटेक्ट करेगा जब किसी भी सिग्नल जो उसकी वैल्यू 1 से 0 होगा, यानी कि कोई सिग्नल ट्रू से फॉल्स जाएगा तब ये डिटेक्ट करता। वहीं जो पॉजिटिव सिग्नल एज था वो कब डिटेक्ट करता था? वो तब डिटेक्ट करता था जब कोई सिग्नल 0 से 1 जाता था, यानी कि फॉल्स से ट्रू जाता था, यानी कि पॉजिटिव सिग्नल एज तब डिटेक्ट करता है जब इनपुट की कंडीशन फॉल्स से ट्रू जाता। वहीं नेगेटिव सिग्नल एज सिग्नल को तब डिटेक्ट करता है जब इनपुट की कंडीशन ट्रू से फॉल्स जाए, यही दोनों में डिफरेंस है। तो आज की क्लास में हमने दो एग्जांपल लेकर के पॉजिटिव सिग्नल एज और नेगेटिव सिग्नल एज को डिस्कस किया। तो इस क्लास में बस इतने, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।